What is AC generator and how we can produce alternate current? AC generator char parts hain: armature, field magnet, slip ring and brushes. AC generator kaise alternate current produce karta hai usko dekhne ke liye hum dekhte hain ki hamare paas ek horseshoe magnet hai jiska ek north pole hai aur south pole. North pole se magnetic field lines nikalti hain south pole ki janab, jo ki ek strong aur uniform magnetic field lines hain. Iske andar hum ek armature lete hain. Armature एक जो है सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर जो है आप एक कॉइल्स लेते हैं. ये पूरा जो पार्ट आपके पास आर्मेचर कहलाता है. इसके साथ दो स्लिप रिंग होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे उसी तरह जो हमारे पास जो स्लिप रिंग है वो रोटेट करेंगे. स्लिप रिंग के साथ दो कार्बन ब्रश अटैच करते हैं जहाँ से ये एक्सटर्नल सर्किट है. यहाँ से हम करंट को सप्लाई करते हैं. ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें हम देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या है. जैसे ही हम किसी मैकेनिकल वर्क से कॉइल को रोटेट करवाते हैं, मैकेनिकल वर्क जो है आप एसी जनरेटर में जो है ऑयल की मदद से दे सकते हैं या फिर आप किसी डैम से दे सकते हैं. कॉइल जब रोटेट करती है तो ये साथ स्लिप रिंग रोटेट करते हैं तो हमें करंट प्रोड्यूस होता है. इसके अंदर EMF जनरेट होती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस EMF. तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस हो रहा है. गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम और मिनिमम करंट की वैल्यू शो कर रहा है जिसको हम एक ग्राफ की मदद से स्टडी करते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ कॉइल्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड द एंगल बिटवीन देन इज ज़ीरो. ई इज इक्वल टू क्यू वे बी एल साइन थीटा की वैल्यू में अगर आप साइन थीटा ज़ीरो करते हैं, साइन ज़ीरो करते हैं तो वैल्यू ज़ीरो आती है. तो यहाँ पे करंट जो है वो ज़ीरो होती है क्योंकि EMF प्रोड्यूस नहीं होती. जैसे ही हम कॉइल को रोटेट करते हैं एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल इज 90 देन EMF प्रोड्यूस एंड फ्लक्स चेंज एंड करंट इंड्यूस. इसी तरह अगर इनके दरमियान में एंगल 180 का है कॉइल के एक्सिस के दरमियान में देन करंट विल बी ज़ीरो बिकॉज फ्लक्स नॉट चेंज. इसी तरह हमारे पास जो अब जो पोजीशन है ये 270 है एक्सिस ऑफ कॉइल्स के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान जो एंगल 270 साइन 270 इज इक्वल टू -1 होता है. तो यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस हो रही है और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव फॉर्म में मैक्सिमम है जो कि -1 वैल्यू आती है साइन थीटा की. इसी तरह दोबारा अगर कॉइल को हम रिटर्न देते हैं तो इनके दरमियान में एंगल जो एक्सिस के दरमियान में है वो 360 है और साइन 360 इज इक्वल टू 0 होता है तो करंट की वैल्यू भी 0 होती है. तो ये एक हमें एक करंट की वैल्यू शो हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है. द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज इन आवर हाउस इज 50 हर्ट्ज़.